माई चैनल लिट्स कुकिंग। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं कि पपाया में कितने सारे गुण होते हैं, तो आज मैं कच्चे पपाया से परांठा कैसे बनाया जाता है वो आपको बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अब हम एक पपाया लेंगे कच्चा, और इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, और अब इसको हम छीलेंगे। कच्चा पपाया बहुत ही, इसके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारा पपाया अब छील चुका है, और इसको अब हम बीच में से काट लेंगे। क्योंकि इसके अंदर से जो हमको ये साफ करना है, इसलिए पहले इसको हम पीसेस कर लेंगे और इसके अंदर से ये निकाल लेंगे सब। इसको हमको अच्छे से साफ कर लेना है। इसी तरीके से हम सारे पीसेस साफ कर लेंगे, क्योंकि ये पराठे में आएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। सारे पीसेस को हम इसी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए, ये साफ़ हो चुके हैं सारे पीसेस, और इसको हमने एक बार और अच्छे से धो भी लिया है और पोंछ लिया है। अब हम इसको ग्रेट करेंगे। हमको इसको मोटे ग्रेटर से ग्रेट नहीं करना है, हमको इसको पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है। ये देखिए, हमारा सारा पपाया ग्रेट हो चुका है। अब हम इसको एक बॉल में डाल लेंगे, क्योंकि इसमें हमको सारे मसाले मिक्स करने हैं। अब हम इसमें पहले एक बारीक कटा प्याज डाल रहे हैं। 3 से 4 हरी मिर्च को हमने काट लिया है। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच अजवाइन और धनिया बारीक कटा हुआ, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम आटा लगाते हैं। आटा हमने 3 कप आटा लिया है। इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं, 1/2 कप पानी करके आटा गूंथेंगे। जैसे हम आटा रोटी का नॉर्मल गूंथते हैं, वैसे ही इसको हमको सॉफ्ट सा गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डाल के आटा अच्छे से गूंद लेंगे। आटा अगर सॉफ्ट गूंदा हो तो परांठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये हमारा आटा गूंद चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच तेल लेकर इसको अच्छे से और मल लेंगे, ताकि हमारे परांठे बहुत अच्छे बने। इसको हम अच्छे से और सॉफ्ट सा बना लेंगे इसको मलते हुए। ये देखिए, हमारा सॉफ्ट सा आटा अब लग चुका है। क्योंकि आप आटे को जितना अच्छे से मलते हैं, आटा उतना ही अच्छा पराठे इसके बनते हैं। ये हमारा आटा गूंद चुका है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसके हम पराठे बनाते हैं। पहले हम आटे की लोई ले लेंगे, पेड़े इसके ले लेंगे, 2 छोटे छोटे पेड़े कर लेंगे।
क्योंकि हमको इसको बीच में स्टफ़ करना है। तो दो पेड़े लेकर एक जैसे, और इसको हम बेल लेंगे। थोड़ा सा हम सूखा आटा लेकर और इसको हम बेल लेंगे। अब इसको हम एक साइड में रख के दूसरा भी इसी तरह से बेल लेते हैं। ये हमारे दोनों बेल चुके हैं। अब इसके बीच में हम स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा ही डाली तो ही टेस्ट आता है। अब इसके ऊपर हम दूसरा वाला रखकर और साइड से इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए उसके साथ। और फिर थोड़ा सा सूखा आटा लेकर इसको हम और थोड़ा सा बेल लेंगे। अब हम एक तवा गरम करने रख दिया है। तवे पे अब हम इस पराठे को डाल देंगे और पहले एक साइड से सेक लेंगे। एक साइड से हमारा सिक चुका है, इसको अब हम पलट देंगे। अब हम घी लिया है और घी लेकर इसको हम थोड़ा सा तल लेंगे। अगर आप चाहे तो ऑयल में तल लीजिए, आप चाहे तो बटर में, जिसमें आपका मन है उसमें तल लीजिए। और इसको दोनों साइड से हम क्रिस्पी कर लेंगे। गैस हमने मीडियम रखा है। एकदम तेज गैस पे आप करेंगे तो पराठा एकदम काला हो जाएगा और अंदर से अच्छे से सिकेगा नहीं। तो आपको मीडियम ही गैस रखना है। ये देखिए दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी हो गया है। करारा सा पराठा हमारा बन चुका है। ये देखिए इसी तरीके से हम और भी सारे पराठे को बना लेंगे। ये देखिए ये हमारा दूसरा पराठा भी बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये हमारा कच्चा पपाया का पराठा बनके तैयार हो चुका है। अब आप इसको खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। अगर आपको इसी तरह नई नई रेसिपी सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।